सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब पे। तो दोस्तों, आज सभी के लिए जो है मैं आज एक और इम्पोर्टेंट जो है चैप्टर लेके आ गया हूँ, जिस चैप्टर का नाम जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, यानी इसे हम लोग जो है शॉर्ट फॉर्म में एपी के नाम से भी जानते हैं। अब इससे जो है आप लोगों के एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे जो है आप लोगों के एग्जाम में जो है ना केस बेस्ड जो एग्जाम पैटर्न है, केस बेस्ड जो है बहुत क्वेश्चन जो है इससे पूछता है, और बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके ऑलरेडी एग्जाम में आए हुए हैं। तो इस वाली सीरीज में मैं जो है आप लोगों को प्रीवियस ईयर करा रहा हूँ, यानी पी वाइज क्यू करा रहा हूँ। तो पी वाइज क्यू की सीरीज में इसमें जो है हम लोग 4 से 5 क्वेश्चन देखेंगे, जो कि किसी ना किसी समय में जो है आपके सीबीएसई के बोर्ड के एग्जाम में जो है आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए शुरुआत करते हैं विदाउट एनी डिले। तो आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारा रियल नंबर, पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन और जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर नहीं देखा वो वीडियो, तो जरूर देख लीजिएगा। उसके भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है करा रखे हैं, उसके भी जो है मैंने इंपॉर्टेंट वीडियो जो है आप लोगों के सामने जो है बना रखी है। तो उसी के सिलसिले में जो है नेक्स्ट हम लोग करेंगे, और आज का जो अपना क्लास है, क्लास का जो पहला क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल थ्रीज नंबर, थ्री नेचुरल नंबर, ठीक है, विच आर द मल्टीपल बाई 11। मुझे आपको बताना है कि इसमें से जो है कौन ऐसे 3 डिजिट के नेचुरल नंबर हैं जो कि मल्टीपल किससे होने चाहिए, 11 से होने चाहिए। ये क्वेश्चन आपका 2009 और 2012 के सीबीएसई के बोर्ड के एग्जाम में जो है आ रखा है, और सीबीएसई के एग्जाम में ये आया हुआ है। तो मैं आप लोगों को बताता हूं कि इसका जो सॉल्यूशन है वो जो है हम लोग किस तरीके से करेंगे। तो 3 डिजिट नेचुरल नंबर के बारे में हमें पता लगाना है कि 3 डिजिट का नेचुरल नंबर क्या होता है। अगर मैं बात करूं तो नेचुरल नंबर भी होने चाहिए, और डिविजिबल किससे होने चाहिए, वो 11 से डिविजिबल भी होने चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं ऑल 3 डिजिट, आप यहां लिख सकते हैं कि ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर, ठीक है, ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर है ना, जो भी डिविजिबल है किससे, विच आर मल्टीपल या डिविजिबल, विच आर मल्टीपल बाई 11, ठीक है। तो कौन कौन से हो जाएंगे हमारे पास, गिवेन एज हमारे पास जो टर्म हो जाएगा वो 110 हो जाएगा, ठीक है, जो कि 11 से मल्टीपल है। 121 हो जाएगा जो कि 11 से मल्टीपल है। 132 हो जाएगा जो कि 11 से मल्टीपल है, और इसी तरह से चला जाएगा 990 तक, क्योंकि मुझे 3 डिजिट नेचुरल नंबर का ही पता लगाना है जो कि मल्टीपल हो किससे, हमारा 11 से। तो ये इस तरीके का जो है अपना जो है टर्म आ गया है। तो हम लोग यहाँ से एपी निकाल सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से, क्योंकि इसमें जो पहला टर्म होता है जिसको हम लोग ए कहते हैं, हमारे पास दे रखा है 110। डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है कि इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है उसे हम लोग कॉमन डिफरेंस कहेंगे। तो इन दोनों के बीच में जो है क्या आ रहा है भैया, 11 का डिफरेंस आ रहा है, और यहाँ पे एल मतलब लास्ट नंबर जो है हमारे पास क्या है, 990 है। अब यहाँ पे आप लोग जो है फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि मुझे जो है इसमें nth टर्म के बारे में जानना है, और मुझे जो है इसमें nth टर्म फाइंड आउट करना है। जब हम लोग nth टर्म फाइंड आउट करते हैं तो an जो होगा मेरे पास 990 हो जाएगा, और मेरे पास जो इसका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन डी हो जाएगा, ठीक है। तो a की जगह पे आपके पास जो है 110 है, प्लस का साइन हो जाएगा, एन ही हमें फाइंड आउट करना है, और डी की जगह पे जो है 11 हो जाएगा, और ये इक्वल किसके है भैया, 990 के इक्वल है। तो यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये यह हो जाएगा। अब इसको मल्टीपल भी कर सकते हैं इसके अंदर, तो यानी 9 में इससे कर दो, कितना हो जाएगा मेरे पास, 99 प्लस 11n, ठीक है। अब इसमें से क्या कर सकते हैं हम लोग, 99 को इसमें कॉमन लेके यहां से जो है ये चीज वैल्यू निकाल देंगे। अब क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे, 11n इक्वल टू, अब यहाँ पे 990 ऑलरेडी है, अब इसको उस तरफ लेके चले जाएंगे और माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 891 हो जाएगा। और यहां से अगर मैं एन की वैल्यू निकालूंगा तो मेरे पास हो जाएगा, यहाँ पे सिंगल जो है वन ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो हो जाएगा मेरे पास 11 हो जाएगा, और इसको जब हम लोग कैंसिल आउट करेंगे, ठीक है, तो एन की जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास क्या निकल के आ जाएगी, 81, ठीक है। एन की जो वैल्यू हो जाएगी मेरे पास कितनी आ जाएगी, 81 आ जाएगी।
जैसे ही हमारी n की वैल्यू आ जाएगी, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हमें जो है एक फॉर्मूला लगाना होगा और उस फॉर्मूले के थ्रू जो है इसको सॉल्व करना पड़ेगा, जो कि फॉर्मूला होता है सम का, n अपॉन में 2 हो जाएगा, a प्लस एल होगा, तो n बाई 2 की जगह पे क्या लिखेंगे, 81 डिवाइडेड बाई 2, ए की जगह पे ऑलरेडी हमारे पास गिवन था 110 और एल की जगह पे जो हमारे पास था 990, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 182, इसको ऐड कर देंगे बीच में तो 1100 हो जाएगा, और ये इससे कट के जब इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास 4450 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि इसमें जो है हमें 11th टर्म के बारे में पता करना था कि 11th वाला जो टर्म होगा वो क्या होगा, जो कि मल्टीपल होना चाहिए और 3 डिजिट नेचुरल नंबर भी होना चाहिए। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो है कह रहा है कि द सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एपी इन 24, देन द सम ऑफ द सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म ऑफ इज 44, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द एपी, जो कि 2008, 9 और 12 के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ रखा है। तो सबसे पहले इसमें हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन करने जाएंगे। तो सॉल्यूशन करने जाएंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, लेट जो हमारा ए होगा, क्योंकि आपको भी पता है ए जो होता है हमारा क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है, ठीक है। और डी जो होता है वो हमारा क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ये चीज जो है हमारे पास यहाँ पे गिवेन नहीं है, तो इसीलिए सबसे पहले इसको हम लोग लेट कर लेंगे, फोर एपी, ठीक है। ये एपी के लिए हमने लेट कर दिया कि ए जो होगा हमारा फर्स्ट टर्म होगा, डी जो हो जाएगा अपना कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। अब मुझे कौन से टर्म को निकालना है, फोर्थ और एट टर्म को निकालना है, जिसका जो हमारे पास दे रखा है 24 दे रखा है। तो मैं यहां निकालता हूं T4 प्लस में क्या हो जाएगा, T8 इक्वल टू में मेरे पास दे रखा है 24। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका क्या होता है, ए प्लस में 3D, ठीक है, प्लस कर का साइन दे देंगे, ए प्लस 7D, ठीक है, इक्वल टू में क्या हो जाएगा मेरे पास 24। ए फोर का मतलब क्या होता है कि मेरे को जाना है टर्म फोर्थ पर। टर्म फोर्थ मतलब क्या होता है, जो हमारा जनरल टर्म होता है जिसे हम लोग कहते हैं ए, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D। तो हम लोग T4 का मतलब क्या है कि हम लोगों को इस पॉइंट पे जाना है। ए का जो हमारे पास वैल्यू है, यानी जो फर्स्ट टर्म हमने जिसको लेट किया था, अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। यहाँ पे इसको इसको ऐड करेंगे तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 2A हो जाएगा, और 3D और 7D को ऐड करेंगे तो हमारे पास 10D हो जाएगा, इक्वल टू 24 हो जाएगा। अब यहां से क्या कर सकते हैं, 2 को कॉमन ले सकते हैं, जैसे ही हमने 2 कॉमन लिया हमारे पास क्या हो जाएगा, ए प्लस 5D इक्वल टू में मेरे पास हो जाएगा 12, ठीक है। तो इस चीज को क्या करेंगे, हमारे पास हो जाएगा ए प्लस 5D इक्वल टू में 12, इसे हम लोग मान लेंगे इक्वेशन अपना फर्स्ट, ठीक है। तो इसको हमने क्या किया, इक्वेशन जो है इसको 1 लेट कर लिया। अब सेम काम जो है हमें किसके साथ करना है, जो कि हमने अब काम करना है हमारे 6th टर्म और 10th टर्म के लिए, जो कि यहाँ पे ये गिवेन है, इसके इक्वल में कितना दे रखा है मेरे पास, 4 4 दे रखा है। तो अब हम लोगों को क्या करना होगा, फिर से यहाँ पे टी कितना लिखेंगे भैया, 6 लिखेंगे, प्लस में क्या करेंगे हम लोग, T10 लिखना है, और इसके इक्वल में कितना दे रखा है हमारे पास, 4 4 दे रखा है। यानी T6 का मतलब क्या हो जाएगा, कौन से पॉइंट पे जाएंगे हम लोग, 5th D तक जाएंगे, बीच में प्लस का साइन है, प्लस देंगे, यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस 9D इक्वल टू में मेरे पास 4 4 हो जाएगा, ठीक है। अब सेम जैसे हमने इसमें किया था, इन दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 2A हो जाएगा, प्लस में 9 और 5 को ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा, 14D हो जाएगा, इक्वल टू में 4 4 हो जाएगा। जैसा कि उसमें हमने 2 को कॉमन लिया था, यहाँ भी 2 कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास ए हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 7D और यहाँ पे हो जाएगा 22। इसको जो है हम लोग लेट कर लेंगे इक्वेशन सेकेंड। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन 1 से और इक्वेशन सेकेंड को जो है सॉल्व करना है। अब इक्वेशन 1 को और इक्वेशन सेकेंड को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो जो वैल्यू है, जैसे कि S10 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 10 अपॉन में 2, 2A प्लस में कितना हो जाएगा मेरे पास, 9D, ठीक है। क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा फॉर्मूला, Sn इक्वल टू n अपॉन में 2, ब्रेकेट में हो जाएगा तुम्हारा एन 2A प्लस में हो जाएगा n-1d, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर दिया हमने। अब इसी को क्या करना है, सॉल्व कर लेना है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा,
यहाँ पे जो है आपको 2 रखना है। अब देखो यहाँ से जो है हमें ए की वैल्यू को निकालना था, ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो ए की वैल्यू आ जाएगी वो मेरे पास -13 आ जाएगी, और डी का मतलब क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, जो कि हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। बस इस वैल्यू को जो है यहाँ पे रख देना है -3, प्लस में 9 हो जाएगा और डी की जगह पे जो है 5 हो जाएगा। इस चीज को हमें क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। 5 × कितना हो जाएगा, 13 × 2 26 हो जाएगा यहाँ पे, और 9 × 5 = 45, यानी 55 हो जाएगा। अब इन सबको क्या करेंगे, आपस में ऐड कर लेंगे, यानी मेरे पास 5 × कितना हो जाएगा, 90 है ना, क्योंकि देखो इसको जब ऐड करेंगे तो माइनस, और यहाँ पे ये जो प्लस का साइन है, तो इन दोनों को क्या करेंगे, आपस में माइनस कर देंगे, और माइनस करने के बाद इन दोनों को आपस में जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो मेरे पास 95 हो जाएगा। यानी जो मेरा एस टेन की जो वैल्यू आई है वो कितनी निकल के आ गई, 95 आ गई। और मुझे जो है यही बताना था कि जो S10 की वैल्यू होगी वो क्या होगी। चलिए इसमें का जो है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और इसको जो है इसका आखिरी क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि देखो क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, बट मैं आप लोगों को वैसे ही क्वेश्चन करा रहा हूं जो कि इस बार एग्जाम में जो है आने के कुछ जो है चांसेस है, ठीक है। तो आप जो है एपी को एक बार जरूर कर लीजिएगा, और इसके मेन जो होते हैं ना फॉर्मूले होते हैं, अगर आपको इसके फॉर्मूले याद हैं तो आप जो है अच्छे अच्छे क्वेश्चन को भी कर पाओगे। तो चलिए जो है हम लोग इस चीज को स्टार्ट करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द सेवेंथ टाइम, द सेवेंथ टर्म ऑफ एपी, सेवेंथ टाइम करना है, और सेवेंथ जो है हमें टर्म निकालना है, ठीक है। सेवेंथ टाइम करना है और क्या करना है, हमें सेवेंथ टर्म निकालना है। यानी इस चीज को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, सेवेंथ टर्म और सेवेंथ टाइम का मतलब क्या हो गया कि मेरे पास सेवन टाइम हो गया, और टर्म जो निकालना है कौन सा निकालना है, सेवन टर्म निकालना है, इज इक्वल टू 11 टाइम, यानी 11 टाइम हो जाएगा एंड 11th टर्म हो जाएगा। तो टर्म जो है मेरा कितना हो जाएगा, 11th हो जाएगा। बस जैसा ये गिवेन है वैसा ही रखेंगे। आपको भी पता है कि जो हमारा ए होता है वो हमारा क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है। फर्स्ट टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। डी जो होता है हमारा क्या होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, ठीक है। ये हमारा डी होता है, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे T7, यानी इस T7 की जगह पे क्या रखेंगे हम लोग, क्या होता है हमारा A प्लस, क्या करेंगे हम लोग, 6D रखेंगे, इक्वल टू में 11 जैसे है वैसा रखेंगे, और T11 की जगह पे क्या रखेंगे, 1A+10D। ये किसके इक्वल है, इक्वल तो देखो कह रहा है भी नहीं अभी, क्योंकि कुछ भी जो चीजें दे रखी है हमें इक्वल नहीं दे रखी है। बाद में जो है हमें 88 टर्म निकालना, यानी 18वां टर्म जो होगा वो क्या होगा। तो चलिए इसको जो है आपस में मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, तो 7A हो जाएगा, फिर 7 में जो है 6 से मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो 42D हो जाएगा, इक्वल टू में 11A हो जाएगा, प्लस जो होगा 11 में 10 से कर देंगे तो 110D हो जाएगा। अब इस वाली वैल्यू को इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, यानी मेरे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे 4A, और ये 110 में से जो है 42 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस का 68D इक्वल टू 0। यानी इस पूरे को किसके इक्वल कर देंगे, 0 के इक्वल कर देंगे। अब इसमें से जो है 4 कॉमन लेंगे तो मेरे पास A हो जाएगा, और 4 को इससे डिवाइड कर देंगे तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 17D हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब देखो 4 इधर मल्टीपल में है, इधर आएगा तो इसके डिवाइड में हो जाएगा, यानी ए प्लस 7D इक्वल टू हो जाएगा मेरा किसके, 0 के इक्वल हो जाएगा। मुझे कौन सा टर्म निकालना है, मुझे जो है 18वां टर्म निकालना है। तो 18वें टर्म के लिए क्या करेंगे हम लोग, ए प्लस एन माइनस वन क्या होता है मेरे पास, डी होता है, जो कि 0 के इक्वल कर देंगे। अब देखो ए की वैल्यू जो है हमारे पास कुछ भी गिवन नहीं है, तो ए रखेंगे, प्लस एन की जगह पे क्या निकालना है, 18वें को निकालना है, तो 18 माइनस 1, और डी की जगह पे यानी कॉमन डिफरेंस जो होगा इसकी जगह पे भी कुछ नहीं है, तो ये मेरा डी ही हो जाएगा। यानी ए प्लस क्या हो जाएगा मेरे पास, 18 माइनस, ये मेरे पास 17, डी इक्वल टू में 0। यानी जो हमने यहां से छोड़ा था सेम वो वही आ गया। अभी इसका मतलब क्या है कि जब ये इसको किसी के भी इक्वल करेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो मेरा T18 होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि इसकी जगह पे ही तो मेरा T18 है, और T18 की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, 0 आ रही है ना। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, जो हमारा AP होगा वो क्या हो जाएगा मेरा, 0 हो जाएगा। आई बात समझ में? तो ये जो है एपी के कुछ चुनिंदे क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जाम में आए हुए हैं, जो कि आपको 2 नंबर, 3 नंबर
और चार नंबर में जो है देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि इनमें से जो है हूबहू आपको कुछ क्वेश्चन जो है देखने को मिल जाए, जैसे कि ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत बार रिपीटेड हुआ है, यानी 2008 में आया है, 2009 में आया है, 2012 में आया हुआ है, तो हो सकता है ये क्वेश्चन जो है आपको फिर से देखने को मिल जाए। तो आप एक बार जरूर जो है इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करके जाइएगा। फॉर्मूला मेन है, फॉर्मूला आप जरूर याद करके जाइएगा, क्योंकि फॉर्मूले से भी जो है आपके 1 से 2 नंबर के काम हो जाएंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा सारी चीजें। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली अपडेट आप तक मिलती रहे, आप तक जाती रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।